नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपका एक बार फिर से। हम लोग दोस्तों पढ़ रहे हैं वर्ग और वर्गमूल, ये चैप्टर पढ़ रहे हैं वर्ग और वर्गमूल। हम लोगों दोस्तों जाना किस प्रकार हम वर्ग निकाल सकते हैं किसी संख्या का। यहाँ पे दोस्तों किस तरीके से निकाला गया है आप देखिए, थोड़ा अलग तरीका यहाँ पे उपयोग किया गया है। बीस प्लस तीन का स्क्वायर को 23 का स्क्वायर निकालना था, आप 20 प्लस तीन कर दिया आपने, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। दोस्तों आइए यहीं पे एक फार्मूला हम लोग बना लेते हैं जो कि हमें काम आएगा, अभी आने ही वाला होगा कहीं, हम यही जान लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको प्लस 2ab, समझिए दोस्तों ए प्लस बी का अगर स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, ए संख्या जो उसका स्क्वायर, बी जो संख्या है उसका स्क्वायर, और इन दोनों को गुणा करके दोगुना लिख दो। गुणा करने के बाद जो है उसको दो गुना, तो टू टाइम्स करके लिखना, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे ये रखूँ आपको ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2a माइनस बी, है ना दोस्तों। क्या आ जाएगा इसमें, माइनस बी का माइनस बी से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आ जाएगा। यहाँ दोस्तों देखो एक ही बी है, वो भी माइनस में है, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा माइनस 2ab। आशा करते हैं दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों ये जो हो गया ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आप ये दो फार्मूले ध्यान में रखिए दोस्तों और आगे चलते हैं। अब दोस्तों इन फार्मूले का इस्तेमाल करके आप यूज करें 42 का स्क्वायर बराबर 40 प्लस 2 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर 40 गुणे 40 प्लस 2 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 2 गुणे 40, है ना दोस्तों। क्या हो जाएगा ये 40 गुणे 40 1600, 2 गुणे 2 4, 4 चौक 16 160, क्या हो गया दोस्तों अब ये 1600 प्लस 164 कर दें, 1764। 1600 और 164 जोड़ेंगे, 1600 में पहले 100 जोड़िए 1700 हो गया, फिर 64 जोड़िए 1764, ठीक है दोस्तों। आप आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। दोस्तों अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूँ, एक आपने किसका निकाला है अभी 42 का, दोस्तों मैं आपको देता हूँ 39 का स्क्वायर, बताओ दोस्तों कैसे करोगे। 30 प्लस 9 का स्क्वायर ये करोगे दोस्तों, ये तो थोड़ा 9 का कठिन नहीं हो जाएगा दोस्तों, गुड़े भी बड़े बड़े हो जाएंगे। आप इसको ऐसे करिए दोस्तों 40 माइनस 1 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर 40 गुड़े 40 प्लस 1 गुड़े 1 माइनस 2 गुड़े 1 गुड़े 40, 40 का स्क्वायर 1600 प्लस 1 माइनस 80, कितना आ गया दोस्तों 1600 में से 79 जाएगा, तो या 80 गया तो 1520 और 1520 और एक 1521, ठीक है दोस्तों। 39 का स्क्वायर जो होता है देख लेते हैं कितना होता है, 1521, ठीक है चलिए आगे बढ़े से। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बढ़िया है, दो जो बहुत बढ़िया नंबर है यहाँ पे स्क्वायर के, एक दोस्तों देखिए ये 3 प्लस 4 का स्क्वायर जो है वो 5 का स्क्वायर बनाएगा। पाइथागोरस दोस्तों आप जानते हैं, मान लेते हैं ये 3 है ये 4 है और ये 5, ये 90 डिग्री, ये पाइथागोरस का है नियम। एक दोस्तों और है ऐसे ही, ये 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, ये भी वही है दोस्तों 5 12 13,
और भी होंगे दोस्तों, मगर मैंने ये दो ही ज़्यादा इस्तेमाल में देखा है। और भी कोई होगा तो आप दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखें, कोई यदि जानता हो तो। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 12 है। पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करना, ये दोस्तों कौन से त्रिक की बात कर रहा है मुझे नहीं पता है, हो सकता है इधर कहीं बताया हो। अच्छा यहाँ लिखा है पाइथागोरस त्रिक, संख्याएं 5, 12, 13, ये ऐसी दूसरी त्रिक है। क्या आप इस प्रकार के कुछ और त्रिक ज्ञात प्राप्त कर सकते हैं? किसी प्राकृतिक एम इज ग्रेटर देन 1 के लिए हम पाते हैं कि 2m² + m² - 1 का स्क्वायर = m² + 1 का स्क्वायर, अतः 2m m² - 1 और m² + 1 पाइथागोरस त्रिक के रूप में। अच्छा जी, ये दोस्तों बहुत ही अच्छी चीज़ पता चली है अपने को, 2m m² - 1, और जो 3 डिजिट होते हैं जो आपस में ऐसा संबंध रखते हैं वो ये रिलेशन फॉलो करते हैं दोस्तों। m की जगह अगर हम क्या रखें दोस्तों, 2 2 रखेंगे तो ये 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 5, और 1 रखेंगे अगर तो ये 2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा 6, और अगर 3 रखेंगे तो 6 35 और 36। ठीक है दोस्तों, जरा वेरीफाई कर लें अपन। 36² - 35² = दोस्तों ये तो नहीं आ रहा अपना, अपना तो नहीं आया। 3 रखने पर 3 दूनी 6, अच्छा सॉरी दोस्तों यहाँ पे 6, ये 3 रखा है हमने, सॉरी 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 गलती अपनी है दोस्तों। देखो यहाँ पे अगर m की वैल्यू 3 रखते हैं तो एक तो हो जाता है 6, और दूसरा क्या हो जाता है मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। यहाँ दोस्तों m = 2 रखा था, यहाँ m = 3 रख रहा हूँ मैं, 3 दूनी 6 और 3 3 9 में से 1 गया 8 और 9 1 10 दोस्तों, ये भी एक है, 6 8 10, 10² = 8² + 6² अगर m की वैल्यू 4 रखूंगा क्या आएगा दोस्तों, 8 15 और 17। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार और भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।